शांति। आज 8/9/2020 के साकार बाबा के मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे अपनी दिल पर हाथ रखकर पूछो कि बाबा जो सुनाते हैं क्या हम सब पहले जानते थे। जो सुना है उसे अर्थ सहित समझकर खुशी में रहो। जो कुछ हमने बाबा से सुना है उसको सुनकर के बाबा ने कहा बहुत खुशी में रहना है। आज की मुरली का प्रश्न है, तुम्हारे इस ब्राह्मण धर्म में सबसे अधिक ताकत है, फिर बाबा पूछते हैं कौन सी और कैसे। उत्तर है, तुम्हारा ये ब्राह्मण धर्म ऐसा है जो सारे विश्व की सदगति श्री मत पर कर देते हैं। ब्राह्मण ही सारे विश्व को शांत बना देते हैं। बाबा क्या समझा रहे हैं कि ब्राह्मण ही सारे विश्व को क्या करते हैं, शांत बना देते हैं। तुम्हें बाबा के द्वारा ताकत मिलती है, तुम ब्राह्मण कुलभूषण देवताओं से भी ऊंचे हो। तुम ब्राह्मण बाबा के मददगार बनते हो, तुम्हें ही सबसे बड़ी प्राइस मिलती है। तुम ब्रह्मांड के भी मालिक और विश्व के भी मालिक बन जाते हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी सिक्की लदे बच्चों प्रति रूहानी बाबा बैठ समझाते हैं। रूहानी बच्चे जानते हैं, रूहानी बाप एक ही बार हर 5000 वर्ष के बाद आते जरूर हैं। कलप नाम रख दिया है जो कहना पड़ता है। इस ड्रामा की अथवा सृष्टि की आयु 5000 वर्ष है। ये बातें एक ही बार बाप बैठ हम बच्चों को समझाते हैं। ये कभी भी कोई मनुष्य के मुख से नहीं सुन सकते हैं। परिचय भी बाबा देते हैं जो कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते हैं। कोई को पता ही नहीं कि गॉड व ईश्वर क्या वस्तु है, जबकि उनको गॉड फादर बाबा कहते हैं। तो बाबा से तो हमें क्या होना चाहिए, बहुत प्यार होना चाहिए। बेहद का बाबा है तो जरूर उनसे हमको बेहद का वर्षा मिलता है। अंग्रेजी में अक्षर तो अच्छा कहते हैं, है कहते भी हैं हेवनली गॉड फादर। हेवन कहा जाता है नई दुनिया को और हेल कहा जाता है पुरानी दुनिया को, परंतु स्वर्ग को कोई जानते नहीं है। सन्यासी तो मानते ही नहीं है, भी कभी ऐसे नहीं कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे कि बाप स्वर्ग का रचयिता है। हेवनली गॉड फादर ये अक्षर तो कितना मीठा है और हेवन तो मशहूर है ना। तुम बच्चों की बुद्धि में हेवन और हेल का सारा चक्र सृष्टि के आदि मध्य अंत का बुद्धि में फिरता है। जो जो सर्विस एबुल है सभी तो बाबा ने कहा एक जैसे एक रस सर्विस एबुल नहीं बनते हैं। तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो फिर से। तुम कहेंगे हम रूहानी बच्चे बाबा की श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत पर चल रहे हैं। ऊंच से ऊंच बाबा की ही श्रीमत है, श्रीमद भगवत गीता भी गाई हुई है। ये तो पहले नंबर का शास्त्र है। बाबा का नाम सुनने से झट वर्षा याद आता है। ये दुनिया में कोई मनुष्य नहीं जानते हैं कि गॉड फादर से हमको क्या मिलता है। अक्षर कहते हैं प्राचीन योग, परंतु समझते कुछ भी नहीं है कि प्राचीन योग हमें किसने सिखाया होगा। वो तो कृष्ण ही कहेंगे क्योंकि गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है। अभी तुम समझते हो बाबा ने हमको राजयोग सिखाया है, जिससे सब मुक्ति जीवन मुक्ति को पाते हैं। ये भी समझते हो भारत में शिव बाबा आया था, उनकी जयंती भी मनाते, परंतु गीता का नाम कहने से बाबा ने कहा सारी महिमा ही गुम हो जाती है।
जिससे सारी दुनिया को सुख शांति मिलती है उस बाप को भी भूल जाते हैं। इनको कहा जाता है एकज भूल का नाटक। बड़े से बड़ी ये भूल है जो बाप को नहीं जानते हैं। बाबा क्या कह रहे हैं, सबसे बड़ी से बड़ी भूल तो यही है कि बाप को भी नहीं जानते। कभी कहते वे नाम रूप से न्यारा है, फिर क्या कह देते हैं कछ मच अवतार है, फिर कहेंगे ठीकर भीतर में है, भूल में भूल करते रहते हैं। सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं, फिर कलाएं भी कम होती जाती हैं। तब वो प्रधान बनते जाते हैं ड्रामा के प्लान अनुसार, जो बाप स्वर्ग का रचयिता है उनको कण कण में कह दिया, ठीकर भीतर में कह दिया, ऐसे से बाबा कहते हैं। भगवान की भी क्या कर देते हैं, गलानी कर देते हैं। ड्रामा क्या है ये भी पूछते रहते हैं, ये दुनिया कब से बनी थी, नई सृष्टि कब थी, तो कह देंगे कि लाखों वर्ष हो गया। समझते हैं पुरानी दुनिया के लिए तो अभी बहुत समय पड़ा हुआ है। अब बाबा कहते हैं इसको क्या कहेंगे, इसको तो अज्ञान अंधियारा कहते हैं। बाबा आकर के नरक को स्वर्ग बनाते हैं। बाबा क्या करते हैं, नरक को ही स्वर्ग बनाते हैं। रचयिता बाप आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं, आते भी अंत में हैं। अब बाबा ने कहा इसके लिए भी तो टाइम तो लगता ही है, ये भी बच्चों को समझाया है ज्ञान में इतना समय नहीं लगता है जितना याद की यात्रा में समय लगता है। 84 जन्मों की कहानी तो जैसे कि एक कहानी के रूप में है। आज से 5000 वर्ष पहले कीनों का राज्य था, वे राज्य कहाँ गया, बाबा ने कहा कुछ नहीं जानते हैं। तुम बच्चों को अब सारी नॉलेज किसने दी, शिव बाबा ने। तुम कितने साधारण हो, अजामिल जैसे पापी अहिल्याएं कूप जाएं, भिल्लियां उनको कितना ऊंच बाबा बना रहे हैं। बाबा समझाते हैं तुम क्या से क्या बन गए हो। बाबा आकर समझाते हैं पुरानी दुनिया का अब हाल तो देखो क्या हो गया है। मुझसे तो कुछ नहीं जानते कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। बाबा कहते तुम अपनी दिल पर हाथ रखकर ये पूछो, आगे तो कुछ भी नहीं जानते थे, अभी जानते हो। बाबा आकर हमको विश्व की बादशाही दे रहे हैं। कोई की बुद्धि में ये आएगा ही नहीं कि विश्व की बादशाही क्या होती है, विश्व माना ही सारी दुनिया। तुम जानते हो बाबा हमको ऐसा राज्य देते हैं जो हमसे आधा कलप तक कोई भी छीन नहीं सकते हैं। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, बाबा से हमने कितनी बार राज्य लिया है। बाबा सत्य है, सत्य शिक्षक भी है और सतगुरु भी है। बाबा ने कहा कभी सुना ऐसा कि भगवान गुरु भी हो टीचर भी हो और पिता के रूप में हम बच्चों को पालना भी करता हो। अभी अर्थ सही तुम बच्चे समझते हो, तुम बच्चे हो बाप को तो याद कर सकते हो। आजकल तो बाबा ने कहा छोटेपन में ही बच्चों को गुरु आदि भी करा देते हैं, गुरु का चित्र बनाए फिर गले में डालते हैं या फिर घर में रखते हैं। यहाँ तो वंडर है, बाप शिक्षक सतगुरु सब एक ही है। बाबा कहते मैं साथ में ले चलूंगा, तुमसे पूछेंगे क्या पढ़ते हो, बोलो हम नई दुनिया में राजाई प्राप्त करने के लिए राजयोग पढ़ते हैं। ये है कि राजयोग जैसे बैरिस्टर योग होता है तो जरूर बुद्धि का योग फिर बैरिस्टर की तरफ भी जाएगा। टीचर को जरूर याद तो करेंगे, तुम कहेंगे हम स्वर्ग की राजाई प्राप्त करने के लिए पढ़ते हैं। फिर बाबा पूछते हैं कौन पढ़ा रही है, तो शिव बाबा भगवान ही हम बच्चों को पढ़ाते हैं। उनका नाम तो एक ही है जो चला आया है, रथ का नाम तो है नहीं। बाबा कहते मेरा नाम तो शिव है। बाबा शिव
और रथ ब्रह्मा बाबा को कहेंगे। अभी तुम जानते हो ये कितना वंडरफुल है, शरीर तो एक ही है, इनको भाग्यशाली रथ क्यों कहते हैं? बाबा पूछ रहे हैं इनको भाग्यशाली रथ क्यों कहेंगे, क्योंकि शिव बाबा की प्रवेशता है तो जरूर दो आत्माएं ठहरी। ये भी तुम जानते हो, और किसी के ख्याल में तो ये बातें आएगी ही नहीं। जैसे दिखाते भी हैं कि भागीरथ क्या लेकर के आए, गंगा लेकर के आए। अब क्या बाबा पूछते हैं क्या पानी लेकर के आए? अभी तुम प्रैक्टिकल में देखते हो बाबा क्या लेकर आते हैं और किसने लाया है और किसने प्रवेश किया है। बाबा ने किया ना, मनुष्य में पानी थोड़े ही प्रवेश कर सकता है, जटाओं से पानी कभी आ नहीं सकता है। इन बातों पर मनुष्य कभी ख्याल भी नहीं करते हैं। कहा भी जाता है रिलीजन इज माइंड, रिलीजन में ताकत है। बताओ सबसे जास्ती किस रिलीजन में ताकत है? फिर बाबा पूछ रहे हैं कौन सा रिलीजन है जिसमें सबसे ज्यादा ताकत है, तो कहेंगे ब्राह्मण रिलीजन में। हाँ ये तो ठीक है, जो कुछ ताकत है वो ब्राह्मण धर्म में ही है, और कोई रिलीजन में इतनी ताकत होती नहीं है। तुम अभी ब्राह्मण हो, ब्राह्मणों को ताकत बाबा से मिलती है, जो फिर तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। तुम्हारे में कितनी बड़ी ताकत है, तुम कहेंगे हम ब्राह्मण धर्म के हैं, ये भी किसी की बुद्धि में नहीं आएगा। विराट रूप भले बनाया परंतु वह भी आधा है ना, मुख्य रचता और उनकी पहली रचना को कोई भी नहीं जानते हैं। बाबा रचता है, फिर ब्राह्मण चोटी है, इसमें भी ताकत है। बाबा को सिर्फ याद करने से तुमको ताकत मिलती है। बाबा ने कहा बाबा को याद करते हैं तो याद करने से तुमको ताकत मिलती है। बच्चे तो जरूर नंबर वार ही बनेंगे ना, तुम इस दुनिया में सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल भूषण हो। बाबा ने कहा तुम तो देवताओं से भी ऊंचे हो, तुमको अब ताकत मिलती है। सबसे जास्ती ताकत तो ब्राह्मण धर्म में। ब्राह्मण क्या करते हैं? फिर बाबा पूछते हैं ब्राह्मण क्या करते हैं? सारी विश्व को शांत बना देते हैं। तुम्हारा धर्म ऐसा है जो सर्व की सदगति करते हैं श्रीमद के द्वारा। तब बाप कहते हैं तुमको मैं अपने से भी ऊंच बना देता हूँ। बाबा क्या कह रहे हैं? मैं तुम बच्चों को अपने से भी ऊंच बनाता हूँ, तुम ब्रह्मांड के भी मालिक और विश्व के भी मालिक बन जाते हो। सारे विश्व पर तुम राजाई करेंगे। अभी गाते भी हैं भारत हमारा देश है। तो बाबा ने कहा कभी तो महिमा गाते हैं, कभी क्या करते हैं बाबा की फिर महिमा भी गाते हैं, कभी फिर क्या कह देते हैं भारत की देखो क्या हालत हो गई है, ये भी हम बच्चे ही कहते हैं ना। जानते ही नहीं भारत इतना ऊंच कब था। मनुष्य तो समझते हैं स्वर्ग या नरक तो यही होता है। क्या कहते हैं कि स्वर्ग भी यही है और नरक भी यही है। जिसको धन मोटर आदि है वे तो समझते हम स्वर्ग में है, ये नहीं समझते कि स्वर्ग कहा जाता है नई दुनिया को। यहाँ तुम्हें सब कुछ सीखना है, साइंस का हुनर भी तुम्हें फिर वहाँ ही काम में आएगा, ये साइंस भी वहाँ ही हमें सुख देगी। वहाँ तो इन सबसे अलपकाल का सुख है, वहाँ तुम बच्चों के लिए ये स्थायी सुख हो जाएगा। यहाँ जब सीखना है तो फिर संस्कार भी बाबा ने कहा ले जाएंगे, कोई नई आत्माएं नहीं जाएंगी जो सीखेंगी। यहाँ के बच्चे ही साइंस सीख करके वहाँ चलते हैं। बाबा ने कहा फिर बहुत होशियार हो जाएंगे, सब संस्कार ले जाएंगे, फिर वहाँ काम में आते हैं। ये भी तुम्हारे में नंबर वार है जो फिर समझते हैं। हम पहले पहले अपने घर जाएंगे, फिर कहाँ आएंगे सुख धाम में आते हैं। सुख में बाप तो आते ही नहीं है। बाबा कहते मुझे भी वानप्रस्थ रथ चाहिए।
भक्ति मार्ग में मैं तुम सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देता हूँ। संदेशों को भी दिखाया है कैसे भक्त लोग तपस्या पूजा आदि करते हैं, फिर देवियों की पूजा करते हैं, उनको सजाते हैं, पूजा करते हैं, फिर उसके बाद उनको पानी में विसर्जन करने के लिए बड़ी धूमधाम से जाते हैं। कितना खर्च होता है पूछो, ये कब से शुरू हुआ तो कहेंगे परंपरा से चला आया। कितना भटकते रहते हैं, ये सब ड्रामा में नूनी है। बाबा बार बार बच्चों को समझाते हैं, हम तुमको मीठा बनाने आए हैं। ये देवताएं कितने मीठे हैं, अभी तो मुझसे देखो कितने कड़वे हैं। जिन्होंने बाबा को बहुत मदद की थी उनकी भी पूजा करते रहते हैं, तुम्हारी पूजा भी होती है, पद भी तुम ऊंच प्राप्त करते हो। बाबा खुद कहते हैं मैं तुमको ऊंच से ऊंच बना देता हूँ। बाबा क्या कह रहे हैं, मैं तुमको ऊंच से ऊंच बनाता हूँ। ऊंच से ऊंच भगवान की श्रीमत है, कृष्ण की तो नहीं कहेंगे, गीता में श्रीमत मशहूर है ना। कृष्ण तो इस समय बाप से वर्षा ले रहे हैं। बाबा क्या कह रहे हैं, कृष्ण तो इस समय बाप से वर्षा ले रहे हैं, कृष्ण की आत्मा के रथ में बाबा ने प्रवेश किया है। ये कितनी वंडरफुल बातें हैं, कभी किसी की बुद्धि में ये बातें आएंगी नहीं। बाबा क्या कह रहे हैं, किसी की भी बुद्धि में ये बातें आ नहीं सकती है। समझने वाले को भी समझने में बड़ी मेहनत लगती है। बाबा ने कहा किसी को समझाते ना तो उनको बड़ी मेहनत लगती है। बाबा कितना अच्छी रीति बच्चों को समझाते हैं। बाबा लिखते हैं सर्वोत्तम ब्राह्मा वंशावली ब्राह्मण, तुम ऊंच सर्विस करते हो तो ये प्राइज तुम बच्चों को मिलती है। तुम बाबा के मददगार बनते हो तो तुमको प्राइज मिलती है। नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार है, तुम्हारे में तो बड़ी ताकत है। बाबा क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे में क्या है, बहुत बड़ी ताकत है। तुम मनुष्य को स्वर्ग का मालिक बना सकते हो, तुम रूहानी सेना हो, तुम ये बैच नहीं लगाएंगे तो कोई कैसे समझेगा कि ये रूहानी मिलिट्री है। तो बाबा ने बच्चों के लिए जो बैच बनवाया है तो बाबा ने कहा वो बैच हमेशा लगा के रखो। मिलिट्री वालों को तो हमेशा बैच लगा हुआ ही रहता है। शिव बाबा नई दुनिया का रचयिता है, वहाँ इन देवताओं का राज्य था, अब तो नहीं है। फिर बाप कहते हैं मन मना भव, देह सही सब सबन छोड़कर माँ मेकम याद करो तो कृष्ण की डिनास्टी में आ जाएंगे। इसमें लज्जा की तो बात ही नहीं है, बाबा की तो याद रहेगी। बाबा इनके लिए भी बताते हैं, ये नारायण की पूजा करते थे, फिर नारायण की मूर्ति बाबा के हमेशा साथ में रहती, चलते फिरते उनको फिर देखते रहते थे। अभी तुम बच्चों को ज्ञान है तो बाबा ने कहा उसके लिए बैज तो हमेशा लगा कर रखना है। तुमको नर को नारायण बनाने वाले राजयोग भी तुम बच्चे ही सीखते हो, औरों को सिखाते हो। नर से नारायण बनाने की भी तुम सर्विस करते हो। अपने को देखना है हमारे में कोई अवगुण तो नहीं। बाबा ने कहा ये भी चेक इन करो, हमारे अंदर कोई कमी कोई बुराई तो नहीं है। तुम बच्चे बाबा के पास आते हो, बाबा है शिव बाबा, दादा उनका रथ है, ब्रह्मा बाबा उनका रथ है, बाबा जरूर रथ के द्वारा ही मिलेंगे। बाबा ने कहा जब बाबा शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश करे तो ही तो समझाएंगे ना। बाबा के पास बच्चे रिफ्रेश होने के लिए आते हैं, सम्मुख बैठने से फिर याद भी पड़ती है। बाबा हम बच्चों को ले जाने के लिए आए हैं, बाबा सम्मुख बैठे हैं तो बच्चों को जास्ती याद आनी चाहिए। अपनी याद की यात्रा को वहां भी तुम रोज बढ़ा सकते हो। अच्छा मीठे मीठे सिकिलरे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते 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 जी, गुड मॉर्निंग बाबा, ओम शांति। और धारणा के लिए आज मुख्य पॉइंट्स है, बाबा हम बच्चों को कह रहे हैं कि अपने को ये देखो कि हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। जैसे देवताएं मीठे हैं, ऐसा मैं मीठा बना हूं। और दूसरे पॉइंट है, बाबा की श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत पर चल करके अपनी राजधानी स्थापन करनी है। सर्विसेबल बनने के लिए सृष्टि के आधी मध्य अंत का हेवन और हेल का ज्ञान बुद्धि में रखना है। सृष्टि के बाबा क्या कहें, आधी मध्य अंत का और हेवन और हेल का ज्ञान बुद्धि में रखना है। अर्थात परम धाम से कैसे मैं आई, फिर सत्युग में कैसे आई, फिर धीरे धीरे सीढ़ी उतरते हुए त्रेता युग को पास करते हुए द्वापर युग में पहुंची, द्वापर युग से फिर कलयुग में आई, और कैसे स्वर्ग फिर बनता है, कैसे नरक होता है। तो बाबा ने कहा ये बुद्धि में क्या रखना है, सारा ज्ञान रखना है। और आज का वरदान है, श्रेष्ठ भावना के आधार से सर्व को शांति और शक्ति की किरणें देने वाले विश्व कल्याणकारी भाव। श्रेष्ठ भावना के आधार से सर्व को शांति और शक्ति की किरणें देने वाले विश्व कल्याणकारी भाव। जैसे बाबा के संकल्प बोल में नैनों में सदा कल्याण की भावना व कामना है, ऐसे आप बच्चों के संकल्प में विश्व कल्याण की भावना व कामना भरी हुई हो। कोई भी कार्य करते हुए विश्व की सर्व आत्माएं सामने मर्ज हो। मास्टर ज्ञान सूर्य बन शुभ भावना व श्रेष्ठ कामना के आधार से शांति व शक्ति की किरणें देते रहो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। लेकिन इसके लिए सर्व बंधनों से मुक्त स्वतंत्र बन, सर्व बंधनों से मुक्त बनना है और स्वतंत्र बनना है। और स्लोगन है, मैंपन और मेरापन ये देह अभिमान का दरवाजा है। जहां बाबा ने कहा मैं आया और मेरा आया, देह अभिमान आया, एक होता है कि मैं आत्मा और मेरा बाबा, तो वो तो आत्माभिमानी की स्थिति है। लेकिन जहां मैं और मेरापन आ गया, ये देह अभिमान का दरवाजा है,